कैंपिल का थाना क्षेत्र के आमघाट में पुलिस ने बड़े पैमाने पर अवैध शराब बरामद की है। इस मामले में कैंपिलगंज पुलिस ने एक नामजद के साथ अन्य सहयोगियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि सोमवार को देर शाम कैंपिलगंज थाना क्षेत्र के आमघाट के समीप एक पोल्ट्री फार्म हाउस में शराब बनाने की मशीन, 9 ड्रम स्प्रिट, 10 ड्रम खाली, 1350 शीशी अवैध देशी शराब, 200 शीशी शराब लैला का रैपर, 1000 गत्ता कैंपिलगंज पुलिस ने बरामद किया है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी नॉर्थ रोहित सिंह सहवाण ने बताया, कैंपिलगंज थाने में देसी शराब ट्रैक्टर ट्रॉली में भर के लेके जा रहे थे, तो पुलिस को सूचना मिलने पर पुलिस ने वहाँ पे दबिश दी, तो पुलिस को वहाँ पे 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियों में शराब भर के लेके जा रहे थे और लैला ब्रांड की कोई शराब है, वो नकली शराब वहाँ जा रही थी, तो पुलिस के द्वारा उसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया और संबंधित जो व्यक्ति हैं उनको गिरफ्तार करके 272 जो एक्साइज एक्ट है उसमें मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। कितने लोग इसमें जो ट्रैक्टर चालक थे उनको पकड़ा गया और जो जिन लोगों ने शराब की खेप भेज रहे थे उनको भी अभी गिरफ्तार करने का प्रयास कर रहे हैं।